हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इधर मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना का तैयार कर रही हूँ। और तो आज दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी बैंगन आलू का फ्राई। तो बैंगन आलू ले ली हूँ और अभी मैं कट करूंगी। और मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ और आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए मैं बैंगन आलू को कट कर लेती हूँ। अभी मैं इधर कट कर रही हूँ सब्जी। और बहुत दिनों के बाद मैं, बहुत दिन मतलब कि 3-4 दिन के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। और मुझे उस दिन के बाद से थोड़ा सा बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया कि कोई मेरा नाम का फेक फेसबुक पेज कैसे बना लिया। फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने माफ़ किया, क्योंकि उसने फेक फेसबुक पेज जो बनाया था उस अकाउंट को डीएक्टिव किया है। और अगर नेक्स्ट टाइम फिर से उसने मेरा नाम का फेक फेसबुक पेज बनाया और मेरा वीडियो अपलोड किया तो मैं बोलूँगी नहीं, डायरेक्ट FIR करूँगी। तो फर्स्ट टाइम था इसी वजह से मैंने छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं है। लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी, अगर दोबारा मेरा नाम का फेक फेसबुक पेज बनाया मैं FIR करूँगी। और एक ही दिन में पता चल जाएगा जो वो इंसान कौन है। सो गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज़ इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आज आपके सपोर्ट के कारण मैं फिर से नया व्लॉग शूट कर पाई हूँ, नया वीडियो शूट कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो इसी वजह से। और आप लोगों के कमेंट के कारण ही मैं आज आप लोगों के लिए नया व्लॉग लेकर आई हूँ। प्लीज़ गाइस, इसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। सो गाइस, अभी मैं इधर खा रही हूँ चना। तो सब्जी बिठा दी हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इधर मैं कढ़ाई में सब्जी बिठाई हूँ, आलू और बैंगन का सब्जी बना रही हूँ। और इधर खा रही हूँ मैं चना। तो ये जो मिक्स चना है, सूखा चना, बॉयल चना, कच्चा चना और पापड़ वगैरह मिक्स करके बनाता है और बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में। और आज थर्सडे है तो थर्सडे मार्केट में बहुत मिलता है, तो थर्सडे मार्केट के दिन ये वाला चना ना खाओ ना तो लगता ही नहीं जो आज थर्सडे है बोल के। तो हम लोग खा रहे हैं चना। तो चलिए गाइस, मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से। एंड इसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। तो इधर सब्जी पक रहा है और अभी मैं इधर दाल धोंगी। दाल धो के फिर से दाल बिठाऊंगी, सब्जी पकने के बाद दाल बिठाऊंगी। और आज मैं बना ली हूँ चावल। चावल सबसे पहले दूसरे वाला कुकर में बिठा दी हूँ, बड़ा वाला कुकर में बिठाई थी तो चावल हो गया है। और उसके बाद सब्जी बिठाई हूँ और नीचे जो कुकर आप लोग देख रहे हो ना उसी में बिठाई हूँ चावल। और इधर मैं धो रही हूँ दाल। तो दाल धोने के बाद फिर मैं बिठा दूँगी दाल। और लगभग सब्जी हो गया है, तो सब्जी यानी कि फ्राई की हूँ, बैंगन आलू का फ्राई। और इधर मेरा दाल भी धुल गया है और अभी मैं बिठाऊँगी दाल। तो सिंपल सा लंच है, दाल चावल और बैंगन आलू का फ्राई। तो चलिए, इधर मैं दाल धो दी हूँ और अभी मैं बिठाऊँगी दाल। तो इधर मैं दाल धो के लेकर आई हूँ और इसमें मैं कट करके डाल दी हूँ टमाटर, नमक, हल्दी डाल दी हूँ। और आप लोगों को भी एक बात कहना चाहती हूँ, तो आप लोग भी मतलब के सतर्क रहिए, क्या पता आपके नाम में भी फेक पेज वगैरह बना रहे होंगे। तो चलिए, इधर दाल बिठा देती हूँ। सो गाइस, अभी मैं बिठा दी हूँ खाना और उसके बाद अभी धोंगी। एक बकेट कपड़ा है, अभी धोने जा रही हूँ मैं अपने हैंडपम्प में।
अब मैं इधर आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए, तो फटाफट से मैं कपड़ा सुखा लूँगी और उसके बाद मेरा खाना भी हो गया है, फिर अभी खाऊँगी मैं खाना दोपहर का। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़ा सुखा लेती हूँ। सो गाइस, कपड़ा सुखा ली हूँ, इधर मेरा लंच भी हो गया है। तो लंच में है दाल चावल नींबू का अचार और बैंगन आलू का फ्राई। तो चलिए गाइस मैं लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गुड आफ्टरनून, अभी है दोपहर का समय और मैं इधर लंच लेके बैठी हूँ, लंच करूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।